प्रणाम मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि घर के वास्तु में क्या समस्याएं होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनते हैं, गुप्त रति संबंध बनते हैं। तो वास्तुशास्त्र कहता है अगर बेडरूम घर के बाकी सभी कमरों से बड़ा है या काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, या फिर वो बेड जिसे पति पत्नी इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं वो एकदम मेन डोर के सामने हो, तो पत्नी अवैध या अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त होगी। इसे गुप्त रति संबंध का योग भी कहा गया है। तो इसका थोड़ा लॉजिक समझ लें तो ऐसे समझिए, बेडरूम हो या बेड हो, वो क्या है, शुक्र, खासकर जिसमें पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर ये घर के बाकी सभी कमरों से बड़ा है तो फिर वो है राहु, और मेन डोर वो भी राहु है, तो मेन डोर के एकदम सामने है तो भी राहु शुक्र योग बन गया। और अगर अपने आप में ही बहुत बड़ा है तो बेडरूम होने की वजह से वो क्या है, शुक्र, और बहुत बड़ा यानी राहु, तब भी वो राहु शुक्र योग बन जाता है। तो राहु शुक्र अनैतिक यौन संबंध देते हैं, इसको गुप्त रति संबंध का योग कहा गया। और पहले क्योंकि पत्नियां स्त्रियां घर में ही रहती थी तो इसलिए स्त्रियों के बारे में कहा गया है, लेकिन आजकल अगर एक होम मेकर पर्सन है, हस्बैंड है, वो घर में रहता है और वहाँ ऐसा योग है तो उस पर भी अप्लाई होगा। फिर ये योग एक और तरह से भी बन सकता है कि अगर शयन कक्ष बेडरूम अच्छा हवादार नहीं है, मतलब प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, या इसमें रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं है, मतलब झुटपुटा या धुंधलका रहता है, या फिर शयन कक्ष की ऊंचाई कमरे की लंबाई चौड़ाई से भी बहुत ज़्यादा है, तो परिवार में बेचैनी और दुख रहेगा। तो इसको समझते हैं अब, अनवेंटिलेटेड रूम मतलब हवादार जो नहीं है, हवा बंद है, जिसमें दुर्गंध है, तो उसका कारक है राहु। फिर रोशनी की उचित व्यवस्था नहीं है, मतलब थोड़ी सी कम रोशनी है तो फिर उसका भी कारक राहु है, एकदम अंधेरे का कारक शनि है, और ऊंचाई बहुत ज़्यादा होना उसका कारक भी राहु है, तो परिवार में बेचैनी और दुख रहेगा, इनका कारक राहु है। और फिर आगे कहा गया है पत्नी भीरू मतलब डरपोक स्वभाव की होगी, राहु क्या डर देता है, और पत्नी क्यों कहा है, क्योंकि पत्नियां पहले घर में रहती थी इसलिए पत्नी कहा है। जो भी घर में रहेगा 2400 घंटे ज़्यादा असर उस पर जाएगा, असर हर एक पर जाता है, जो जितनी ज़्यादा देर रुकेगा उस कमरे में उस पर उतना ही ज़्यादा असर जाना है। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों का मतलब शुक्र और राहु का बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता है ना कि राहु वृषभ राशि में, जो शुक्र की राशि है, उसमें उच्च का हो जाता है, तो राहु तो उसमें स्ट्रांग हो जाता है, जरूरी नहीं शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। तो ज्योतिष में राहु इन बातों का कारक है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं तो राहु अनैतिक अवैध संबंधों और अनैतिक कामों का कारक है, अनैथिकल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, येन केन प्रकारेण सुख चाहने वाले व्यक्ति का कारक है, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक सुख चाहिए, परंपराएं ना मानने वाले व्यक्ति का कारक है, जबकि शुक्र प्रेम विवाह भोग विलास रिलेशनशिप्स प्रसिद्धि और धन का कारक ग्रह। शुक्र के इन कारकों को राहु और ज़्यादा बढ़ाकर शुक्र के शुभ गुणों को समाप्त कर देता है और जातक गलत रास्ते पर चल पड़ता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो राहु शुक्र के साथ व्यक्ति की यौन इच्छाओं में वृद्धि करता है, सेक्सुअल पार्टनर के बिना अकेले रहना इस व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होता। राहु गुप्त संबंधों का कारक ग्रह है, राहु के प्रभाव में जातक बहक जाता है। अब देखिए राहु भ्रम का मति भ्रम का कारक ग्रह भी है, राहु एक प्रकार का नशा है, तो सभी नशे नशीली ड्रग्स विष इनका कारक भी राहु है। राहु को पुराणों में सर्प कहा गया है, ईसाई धर्म में भी एडम को बहकाने वाले डेविल को सांप के ही रूप में दिखाया गया है। शुक्र और राहु की युति व्यक्ति को बहुत अट्रैक्टिव सुंदर आकर्षक बनाती है। कुंडली में शुक्र राहु की युति वाले जातक या जातिका एक दूसरे की सुंदरता के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे में शुक्र राहु की युति वाले जातक के
अपने जीवन साथी के अलावा दूसरे लोगों से संबंध बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम और सेक्स के मामले में सांस्कृतिक या भौगोलिक दूरियों की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि राहु को विदेशी विधर्मी कहा गया है, चांडाल कहा गया है, मतलब जाति से बाहर है वो। ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग एकदम अनजान लोगों से ही टेम्परेरी सेक्सुअल रिलेशन बनाना प्रेफर करते हैं, ऐसे लोगों से जिन्हें ना तो उन्होंने पहले कभी देखा हो और ना ही बाद में कभी मिलने की संभावना है। तो इन लोगों की कुंडली में ऐसे ही योग होंगे, शुक्र राहु योग, शुक्र मंगल राहु योग, राहु शनि शुक्र योग वगैरह वगैरह। ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में रहने पर ही इन योगों के असर आएंगे। जो हम बातें कर रहे हैं, शुभ योग हो या अशुभ योग हो, जो घर में जितनी ज़्यादा देर रहेगा उस पर उतना ही ज़्यादा शुभ या अशुभ योग का प्रभाव होगा। और कम से कम 6 हफ्ते बाद प्रभाव शुरू होता है, 6 हफ्ते यानी 42 दिन। अब इसका क्या उपाय करें, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका क्या उपाय किया जाए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ना हो, डर ना लगे, भीरूपन ना हो, क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले है, मेन डोर से कभी भी बेडरूम नहीं दिखना चाहिए। तो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके रखिए, मेन डोर का दरवाज़ा बंद करके रखिए, पहले तो पर्दा लगा के रखिए बेडरूम के दरवाजे पर। दूसरा है, बेडरूम हमेशा हवादार हो, मतलब प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो। और तीसरा है, इसमें रोशनी की सही सही व्यवस्था होनी चाहिए। एक छोटी सी सूचना हम देना चाहते हैं, हम प्रश्न वास्तु पर एक ऑनलाइन कोर्स कराने जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।